सोना रसोई में आपका स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है, इसमें मैं अपनी फेवरेट रेसिपी मसाला मशरूम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने बहुत तरह की मशरूम की सब्जी खाई होगी, पर यकीन मानिए आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले आगे वीडियो डालने के लिए। चलिए अब अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, किचन में चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज मसाला मशरूम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। इसके लिए मुझे चाहिए जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे 200 ग्राम मशरूम है, मैंने इसको छोटा छोटा काट लिया है। उसके बाद मुझे कुछ खड़े गरम मसाले चाहिए, जैसे ये धनिया है 2 चम्मच, 1 चम्मच जीरा है, 8 से 10 काली मिर्च ले ली है, थोड़ी सी दालचीनी ली है और थोड़ी सी जावित्री है, 1 बड़ी इलायची है, 1 छोटी इलायची, 4 लौंग है और थोड़ा सा मैंने जायफल लिया है। इन सबको मैं प्याज लहसुन के साथ पीस लूंगी। ये मैंने 3 मीडियम प्याज है जिसको पीस लिया है। सारे खड़े गरम मसाले, अदरक लहसुन को मैंने एक साथ पेस्ट बना लिया है। ऑन करूंगी और इसमें तेल डालूंगी, सरसों का तेल। इस सब्जी में तेल थोड़ा ज्यादा ही मात्रा में पड़ता है। तेल जो है गर्म हो चुका है, इसमें मैं तेज पत्ता डाल दूंगी। इसके बाद मैं इसमें प्याज डालूंगी। अभी थोड़ा सा प्याज लाल होने तक भूनेंगे इसको। इसमें मैंने जो है सारे खड़े गरम मसाले हैं और 10 कली लहसुन है बड़ी और थोड़ा सा अदरक है, जिसको सब मैंने एक साथ पीस लिया है। अब ये भी इसी में डाल दूंगी और इसको लगातार अभी भूनते रहेंगे जब तक मसाला एकदम भुन ना जाए। अगर आप इस तरह से मसाला मशरूम बनाएंगे तो सभी को ये बहुत पसंद आएगा। इसमें मैंने टमाटर का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। बाकी के मसाले भी डाल दूंगी इसमें, 1.5 चम्मच नमक आपने स्वाद अनुसार डालिएगा। एक चम्मच मिर्च डाला है, काश्मीरी मिर्च। ये 1 चम्मच मीट मसाला है और 1 चम्मच गरम मसाला घर का पिसा हुआ है और 1 चम्मच ये धनिया पाउडर है। इसको भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मसाला थोड़ा ज्यादा है और हल्का मसाला बनाएंगे तो फिर टेस्ट नहीं आएगा मशरूम में। देखिए मसाला भून गया है, इसमें तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें मशरूम डाल देंगे अपने और उसको भून लेंगे। मशरूम के साथ भी हमें इसे थोड़ी देर तक भूनना पड़ेगा। अब इस मशरूम को कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे ताकि ये लगे नहीं, लेकिन भूनना इसको काफी देर तक है। अगर इसको भूनेंगे नहीं तो इसका स्वाद अच्छा नहीं आता बिल्कुल भी। कम से कम 5 मिनट तक इसको लगातार भूनते रहें। देखिए ये 5 मिनट तक इसको मैंने भून दिया बहुत अच्छे से। अभी मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। पानी मैं उतना ही ऐड करूंगी जैसे जितना आपको रसा पसंद है। अगर आपको चावल के साथ खाना है तो थोड़ा रसा इसके बढ़ा लीजिए, और खाली रोटी पराठा के साथ खाना है तो आप इसमें थोड़ा सा कम रसा रखिएगा। इसमें ढक्कन लगा देंगे, 2-3 सीटी आने के बाद इसको थोड़ी देर धीमा कर दूंगी। अब इसमें 2 से 3 सीटी हो गई है, मैं इसको धीमा कर दूंगी। अब 2 मिनट इसको धीमी आंच पे रखेंगे और उसके बाद इसको फिर बंद कर देंगे। लीजिए मसाला मशरूम तैयार है। ये लीजिए ये मसाला मशरूम, देखिए आप इस तरह से इसको बना के देखिएगा।
इसको आप रोटी, पराठा, मिस्सी, नान, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब इसको थोड़े से धनिया से गार्निश कर देंगे। आपको जितनी धनिया पसंद है उसी हिसाब से आप खाइए। कुछ लोगों को धनिया कम पसंद होती है, मुझको बहुत पसंद है इसलिए मैं ज्यादा डालती हूँ। लीजिए, इस तरह से आप मशरूम मसाला बनाएंगे। तब आप बताइएगा कमेंट्स करके कि कैसा बना है।